ये सब कहने के बाद ईसा अपने शिष्यों के साथ केद्रोन नाले के उस पार गए। वहाँ एक बारी थी। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ उसमें प्रवेश किया। उनके विश्वासघाती यूदस को भी वह जगह मालूम थी, क्योंकि ईसा अक्सर अपने शिष्यों के साथ वहाँ गए थे। इसलिए यूदस पलटन और महायाजकों तथा फरीसियों के भेजे हुए प्यादों के साथ वहाँ आ पहुँचा। वे लोग लालटेने, मशालें और हथियार लिए थे। ईसा ये जानकर कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी, आगे बढ़े और उनसे बोले, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उत्तर दिया, ईसा नाजरी को। ईसा ने उनसे कहा, मैं वही हूं। वहां उनका विश्वासघाती यूदस भी उन लोगों के साथ खड़ा था। जब ईसा ने उनसे कहा, मैं वही हूं, तो वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। ईसा ने उनसे फिर पूछा, किसे ढूंढते हो? वे बोले, ईसा नाजरी को। इस पर ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से कह चुका हूं कि मैं वही हूं। यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि उनका ये कथन पूरा हो जाए, तूने मुझको जिन्हें सौंपा, मैंने उनमें से एक का भी सर्वनाश नहीं होने दिया। उस समय सिमोन पेत्रुस ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम मलखुस था। ईसा ने पेत्रुस से कहा, तलवार म्यान में कर लो। जो प्याला पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे नहीं पीऊं? तब पलटन, कप्तान और यहूदियों के प्यादों ने ईसा को पकड़कर बांध लिया। वे उन्हें पहले अन्नस के यहां ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के प्रधान याजक कैफस का ससुर था। ये वही कैफस था जिसने यहूदियों को यह परामर्श दिया था, अच्छा यही है कि राष्ट्र के लिए एक ही मनुष्य मरे। सिमोन पेत्रुस और एक दूसरा शिष्य ईसा के पीछे पीछे चले। यह शिष्य प्रधान याजक का परिचित था और ईसा के साथ प्रधान याजक के प्रांगण में गया, किंतु पेत्रुस फाटक के पास बाहर खड़ा रहा। इसलिए वह दूसरा शिष्य जो प्रधान याजक का परिचित था फिर बाहर गया और द्वारपाली से कहकर पेत्रुस को भीतर ले आया। द्वारपाली ने पेत्रुस से कहा, कहीं तुम भी तो उस मनुष्य के शिष्य नहीं हो? उसने उत्तर दिया, नहीं हूं। जाड़े के कारण नौकर और प्यादे आग सुलगाकर ताप रहे थे। पेत्रुस भी उनके साथ आग तापता रहा। प्रधान याजक ने ईसा से उनके शिष्यों और उनकी शिक्षा के विषय में पूछा। ईसा ने उत्तर दिया, मैं संसार के सामने प्रकट रूप से बोला हूं। मैंने सदा सभागृह और मंदिर में, जहां सब यहूदी एकत्र हुआ करते हैं, शिक्षा दी है। मैंने गुप्त रूप से कुछ नहीं कहा। यह आप मुझसे क्यों पूछते हैं? उनसे पूछिए जिन्होंने मेरी शिक्षा सुनी है, वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा। इस पर पास खड़े प्यादों में से एक ने ईसा को थप्पड़ मारकर कहा, तुम प्रधान याजक को इस तरह जवाब देते हो? ईसा ने उससे कहा, यदि मैंने गलत कहा तो गलती बता दो, और यदि ठीक कहा तो मुझे क्यों मारते हो? इसके बाद अन्नस ने बांधे हुए ईसा को प्रधान याजक कैफस के पास भेजा। सिमोन पेत्रुस उस समय आग ताप रहा था। कुछ लोगों ने उससे कहा, कहीं तुम भी तो उसके शिष्य नहीं हो? उसने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं हूं।
प्रधान याजक का एक नौकर उस व्यक्ति का संबंधी था जिसका कान पैत्रुस ने उड़ा दिया था। उसने कहा, क्या मैंने तुमको उसके साथ बारी में नहीं देखा था? पैत्रुस ने फिर अस्वीकार किया और उसी क्षण मुर्गे ने बांग दी। तब वे ईसा को कैफस के यहां से राज्यपाल के भवन ले गए। अब भोर हो गया था। वे भवन के अंदर इसलिए नहीं गए कि अशुद्ध ना हो जाए, बल्कि पास्का का मेमना खा सके। पिलातुस बाहर आकर उनसे मिला और बोला, आप लोग इस मनुष्य पर कौन सा अभियोग लगाते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यदि यह कुकर्मी नहीं होता तो हमने इसे आपके हवाले नहीं किया होता। पिलातुस ने उनसे कहा, आप लोग इसे ले जाइए और अपनी संहिता के अनुसार इसका न्याय कीजिए। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमें किसी को प्राण दंड देने का अधिकार नहीं है। यह इसलिए हुआ कि ईसा का वह कथन पूरा हो जाए जिसके द्वारा उन्होंने संकेत किया था कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। तब पिलातुस ने फिर भवन में जाकर ईसा को बुला भेजा और उनसे कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, क्या आप यह अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में ये कहा है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूं? तुम्हारे ही लोगों और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले किया। तुमने क्या किया है? ईसा ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं, मैं राजा हूं। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। पिलातुस ने उनसे कहा, सत्य क्या है? वह यह कहकर फिर बाहर गया और यहूदियों के पास आकर बोला, मैं तो उसमें कोई दोष नहीं पाता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए पास्का के अवसर पर एक बंदी को रिहा करने का रिवाज है। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा कर दूं? इस पर वे चिल्ला उठे, इसे नहीं, बराबस को। बराबस डाकू था। तब पिलातुस ने ईसा को ले जाकर कोड़े लगाने का आदेश दिया। सैनिकों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उनके सिर पर रख दिया और उन्हें बैंगनी कपड़ा पहनाया। फिर वे उनके पास आ आकर कहते थे, यहूदियों के राजा प्रणाम, और वे उन्हें थप्पड़ मारते जाते थे। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम लोगों के सामने बाहर ले आता हूं, जिससे तुम यह जान लो कि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। तब ईसा कांटों का मुकुट और बैंगनी कपड़ा पहने बाहर आए। पिलातुस ने लोगों से कहा, यही है वह मनुष्य। महायाजक और प्यादे उन्हें देखते ही चिल्ला उठे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, इसे तुम ही ले जाओ और क्रूस पर चढ़ाओ, मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमारी एक संहिता है और उस संहिता के अनुसार यह प्राणदंड के योग्य है, क्योंकि इसने ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया है। पिलातुस यह सुनकर और भी डर गया। उसने फिर भवन के अंदर जाकर ईसा से पूछा, तुम कहां के हो? किंतु ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों नहीं बोलते? क्या तुम यह नहीं जानते कि मुझे
तुमको रिहा करने का भी अधिकार है और तुमको क्रूस पर चढ़वाने का भी? ईसा ने उत्तर दिया, यदि आपको ऊपर से अधिकार न दिया गया होता तो आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए जिसने मुझे आपके हवाले किया वह अधिक दोषी है। इसके बाद पिलातुस ईसा को मुक्त करने का उपाय ढूंढता रहा, परंतु यहूदी यह कहते हुए चिल्लाते रहे, यदि आप इसे रिहा करते हैं तो आप कैसर के हितैषी नहीं हैं। जो अपने को राजा कहता है वह कैसर का विरोध करता है। यह सुनकर पिलातुस ने ईसा को बाहर ले आने का आदेश दिया। वह अपने न्याय आसन पर उस जगह जो लिथोस्त्रोतुस और इब्रानी में गब्बत्था कहलाती है बैठ गया। पास्का की तैयारी का दिन था, लगभग दोपहर का समय था। पिलातुस ने यहूदियों से कहा, यही है तुम्हारा राजा। इस पर वे चिल्ला उठे, ले जाइए, ले जाइए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़वा दूं? महायाजकों ने उत्तर दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई राजा नहीं। तब पिलातुस ने ईसा को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनके हवाले कर दिया। वे ईसा को ले गए और वह अपना क्रूस ढोते हुए खोपड़ी की जगह नामक स्थान गए। इब्रानी में उसका नाम गोलगोथा है। वहां उन्होंने ईसा को और उनके साथ और दो व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इस ओर, दूसरे को उस ओर, और बीच में ईसा को। पिलातुस ने एक दोष पत्र भी लिखवाकर क्रूस पर लगवा दिया। वह इस प्रकार था, ईसा नाजरी, यहूदियों का राजा। बहुत से यहूदियों ने यह दोष पत्र पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहां ईसा क्रूस पर चढ़ाए गए थे शहर के पास ही था, और दोष पत्र इब्रानी, लातिनी और यूनानी भाषा में लिखा हुआ था। इसलिए यहूदियों के महायाजकों ने पिलातुस से कहा, आप यह नहीं लिखिए यहूदियों का राजा, बल्कि इसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूं। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। ईसा को क्रूस पर चढ़ाने के बाद सैनिकों ने उनके कपड़े ले लिए और कुर्ते के सिवा उन कपड़ों के चार भाग कर दिए, हर सैनिक के लिए एक एक भाग। उस कुर्ते में सीवन नहीं था, वह ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा बुना हुआ था। उन्होंने आपस में कहा, हम इसे नहीं फाड़े, चिट्ठी डालकर देख लें कि यह किसे मिलता है। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। सैनिकों ने ऐसा ही किया। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मग्दलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहां आश्रय दिया। तब ईसा ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्मग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूं। वहां खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लोगों ने उसमें एक पनसोखता डुबाया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर ईसा के मुख से लगा दिया। ईसा ने खट्टी अंगूरी चखकर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और शव हटा दिए जाएं। इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। जिसने यह देखा है
वही इसका साक्ष्य देता है और उसका साक्ष्य सच्चा है। वह जानता है कि वह सच बोलता है, जिससे आप लोग भी विश्वास करें। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर धर्म ग्रंथ का एक दूसरा कथन इस प्रकार है, उन्होंने जिसे छेदा वे उसी की ओर देखेंगे। इसके बाद अरिमथिया के यूसुफ ने, जो यहूदियों के भय के कारण ईसा का गुप्त शिष्य था, पिलातुस से ईसा का शव ले जाने की अनुमति मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी, इसलिए यूसुफ आकर ईसा का शव ले गया। निकोदेमुस भी पहुंचा, जो पहले रात को ईसा से मिलने आया था। वह लगभग 50 सेर का गंधरस और अगरू का सम्मिश्रण लाया। उन्होंने ईसा का शव लिया और यहूदियों की दफन की प्रथा के अनुसार उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ छालटी की पट्टियों में लपेटा। जहां ईसा क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वहां एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र, जिसमें अब तक कोई नहीं रखा गया था। उन्होंने ईसा को वहीं रख दिया, क्योंकि वह यहूदियों के लिए तैयारी का दिन था और वह कब्र निकट ही थी।